नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में अगर अच्छी नीयत से निवेश किया होता तो आज उसे जिस मायूसी का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता। डॉन अखबार के अनुसार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में ये बात कही। अखबार लिखता है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने कहा, भारत की सारी कोशिश इस बात पर थी कि अफगानिस्तान में अपने कदम जमाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन आज उनको अपना तमाम निवेश डूबता हुआ नजर आ रहा है। इस इंटरव्यू में बाबर इफ्तखार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के बहुत से पहलू हैं और इस वक्त ये एक अति महत्वपूर्ण पड़ाव है और सभी इस बात को समझते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी की है। पाकिस्तान उस शांति प्रक्रिया के सफल होने की गारंटी नहीं दे सकता। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान और अफगान सरकार के बीच सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो गई है। तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार की ओर से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि उसके लड़ाकों ने देश के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है। उधर अफगानिस्तान की सरकार ने इसका खंडन किया। इन सबके बीच अहम सवाल ये है कि आखिर अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, भविष्य में अफगानिस्तान की तस्वीर कैसी होगी। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान साम दाम दंड भेद सब तरीके अपना रहा है। उसने अब पड़ोसी देश चीन पर भी डोरे डाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि वो चीन को अफगानिस्तान के मित्र के रूप में देखता है। उसने बीजिंग को आश्वस्त किया है कि ये अशांत सीजियांग प्रांत के विगर इस्लामिक चरमपंथियों को अपने यहाँ पनाह नहीं देगा। आपको बताते चले कि चीन के संसाधन 80 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है, जहाँ पर विगर इस्लामिक चरमपंथी चीन में हरकतें करते रहते हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच चीन को चिंता सता रही है कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का केंद्र बन जाएगा। चीन इस संगठन को आतंकी समूह मानता है और कहता है कि आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ है। बेल्जियम में कोरोना का एक अपने तरह का पहला मामला सामने आया है, जहां 90 साल के बुजुर्ग महिला कोरोना के एक नहीं बल्कि दो अलग वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हुई। अब महिला की मौत हो चुकी है। जांच में पाया गया कि महिला कोरोना के अल्फा और बीटा दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित थी। इस मामले में शोधकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। महिला ने कोरोना वैक्सीन नहीं ली थी और घर में अकेले रह रही थी। हालांकि तेजी से तबियत बिगड़ने के बाद मार्च महीने में महिला को बेल्जियम के आस्टर शहर में OLV अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट की पॉजिटिव आई थी। शुरुआत में महिला का ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहा, लेकिन उसकी तबीयत तेजी से साथ खराब होती रही और सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही महिला की मौत हो गई। मेडिकल स्टाफ ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि महिला कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित हुई थी, तो पता लगा कि महिला में कोरोना का अल्फा स्ट्रेन भी था, जो ब्रिटेन में सबसे पहले मिला था, और बीटा वेरियंट भी, जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। OLV अस्पताल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और रिसर्च टीम की हेड एनी बैंकर बोगन के मुताबिक उस समय बेल्जियम में ये दोनों वेरिएंट फैल रहे थे। ऐसे में संभव है कि महिला को दो लोगों से अलग अलग वेरिएंट मिले हों। हालांकि अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि वो कैसे संक्रमित हुई। रिसर्च टीम हेड ने यह भी बताया कि फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है कि दो वेरिएंट से संक्रमित होने के कारण महिला की हालत तेजी से खराब हुई या किसी और वजह से। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक ऐसा कोई और मामला सामने नहीं आया है। वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर की गहराई में एक दुर्लभ पारदर्शी ऑक्टोपस मिला है। इसे ग्लास ऑक्टोपस का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस ऑक्टोपस की स्किन इतनी पारदर्शी है कि इसमें मौजूदा सभी अंग आंखों से देखे जा सकते हैं। इस फिनिक्स आइलैंड के पास देखा गया था। वैज्ञानिक भाषा में इसे विट्रेल नेडोनेला रिकार्डी कहा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑक्टोपस की इस प्रजाति तक पहुँचना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बेहद गहराई में ही तैरते हुए नजर आते हैं। इसे तब देखा गया जब कोई दूसरा जीव इसे अपना शिकार बना रहा था। शेमिडिट ओशियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर ज्योतिका वर्मानी कहती हैं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ विज्ञान से जुड़ी कई चीज़ों को खोजा और देखा जा सकता है। ग्लास ऑक्टोपस भी पानी के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान देखा गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्लास ऑक्टोपस पर अब तक कोई बड़ी रिसर्च नहीं की गई है, इसलिए इसके बारे में कुछ ही बातें सामने आई हैं। इसका शरीर 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। ग्लास ऑक्टोपस के शरीर पर पाए जाने वाले गोल सकर छोटे होते हैं, आंखें चौकर होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में खदान में अचानक एक के बाद एक हीरे मिल रहे हैं। अब जो हीरा मिला है वो सबसे बड़ा है। बोत्सवाना की
कोरवे खदान से हाल ही में 1174 कैरेट का एक विशाल हीरा मिला है, जो प्राकृतिक तौर पर अब तक मिले सबसे बड़े हीरों में से एक है। गौर करने वाली बात यह है कि विशाल हीरा ऐसे ही कुछ अन्य हीरों के पास भी मिला है, जो 471, 218 और 159 कैरेट के थे। इससे संकेत मिलता है कि मूल रूप से हीरा जब बना होगा तब हो सकता है कि ये 2000 कैरेट से ज्यादा का हो। ये हीरा 1000 कैरेट से ज्यादा के एक और हीरे के बोत्सवाना की ज्वानिंग खदान से मिलने की कुछ हफ्तों बाद मिला है। इसके बाद सवाल उठता है कि अचानक से बड़े हीरे कैसे मिल रहे हैं, क्या हीरे वास्तव में दुर्लभ हैं जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जोडी ब्रेडबाई कहते हैं कि 2020 में वैश्विक हीरा उत्पादन 11.1 करोड़ कैरेट या करीब 20 टन हीरे से थोड़ा ज्यादा था। हालांकि इस उत्पादन का थोड़ा हिस्सा ही हाई क्वालिटी वाले हीरे का होता है। बड़ी संख्या में हीरे छोटे होते हैं और एक कैरेट से कम के होते हैं। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।